जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए सद्गुरु के चरणों में जो कृपा मिलती है, सद्गुरु के चरणों से जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, उस आशीर्वाद को भी मैं प्रणाम करता हूं। हम आध्यात्मिकता के समुद्र में जितनी भी गहराई में जाते हैं, तो मोती प्राप्त होता है। और जो मोती प्राप्त होता है, उस मोती इतना सस्ता नहीं होता, वो मोती इतने महंगे होते हैं कि अपने आप में हम सोचते हैं कि मोती कितना मूल्यवान है। बात मैंने की थी, परमेश्वर ने प्रकृति की रचना की, शास्त्र ये भी कह रहा है कि जो ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, जो ब्रह्मांड में है इस पिंड में है, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इसलिए आदि शंकराचार्य ने जी ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि। कितनी रहस्यमय बात, कितनी गूढ़ बात। और इस बात को अगर हम देखें तो जीवन जो है हमारा, इस जीवन में जो शरीर है और शरीर के जो हमारे आंख के जो अश्रु निकलते हैं, उस आंसू को अगर हम देखें, उस आंसू को अगर हम अपने आप में उसका टेस्ट करें, तो वो जो आंसू जो है ना, उसका स्वाद और समुद्र के अंदर जो अपने आप में उसका स्वाद, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल समान है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा शरीर है वो ब्रह्मांड से संपर्क में है, उस शरीर है ब्रह्मांड के संपर्क में है। इस शरीर के अंदर हजारों नाड़ियां हैं, इस शरीर के अंदर, इस नाड़ियों के अंदर जो चक्र है हमारे, सप्त चक्र, मूलाधार से सहस्रार दल की जो यात्रा है हमारी, उस यात्रा का केंद्र बिंदु है हमारा शरीर का जो भाग, उसको कहते हैं नाभि। नाभि है हमारा शरीर का केंद्र बिंदु। अब देखो, कई बार लोगों को जिसमें कहते हैं ना कि हमारा जो नाभि है वो अगर अनबैलेंस हो जाए तो पेट का दर्द आ जाता है। और आज भी ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान ने बहुत प्रोग्रेस किया है, बहुत। आज हम बात कर रहे हैं, ये विज्ञान का एक देन है, विज्ञान की एक देन है। हम फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, हम यूट्यूब चलाते हैं, हम टेलीविजन, ये सब विज्ञान ने दिया है। मगर शरीर का संशोधन में हर पार्ट विज्ञान ने सब कुछ ढूंढ लिया है,
मगर शरीर में दो चीज कहां है वो अभी तक ढूंढी नहीं है। एक कहते मन, मन कहां है पता नहीं, और दूसरी आत्मा कहां है, क्या है आत्मा, वो भी पता नहीं। और उसके साथ साथ हमारा जो केंद्र बिंदु है नाभि, उसमें जो पिचोटी कहते हैं हम, वो अनबैलेंस हो जाती है तो गांव के जो हमारे लोग हैं, गांव की जो महिला है, गांव के हमारे पूर्वज है, वो कहेंगे उसको बैलेंस करो, पेट का दर्द बढ़ जाएगा। वास्तव में होता है, योग की भाषा में है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज कई बार बात करते हैं, तो ये सब है। मगर ये नाभि के अंदर जब हम अपने मां के गर्भ में रहते हैं तो एक महीने से लेकर नौ महीने तक, एक दिन से जीरो से लेकर नौ महीने तक की जो यात्रा है उसमें खाना कहां से मिलता है हमारे शरीर को? हमारे शरीर को खाना मिलता है इस नाभि के माध्यम से, और नाभि के माध्यम से जो खाना मिलता है उस खाने को शरीर के अंदर जाना, यानी कि नाभि जो है मां के साथ जुड़ी हुई होती है, नाभि जो है हमारे कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, नाभि के अंदर हजारों जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं। और देखना, सभी लोगों का सेंसिटिव पार्ट हमारा पेट है। उस पेट में जब हम बीमारी आ जाती है, जब आसुरी शक्ति, जब नेगेटिविटी हमारे शरीर में आती है, सबसे पहले क्या होगा? डायरिया होगा। सबसे पहले क्या होगा? डायरिया होगा, सर दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी। ये सब चीज क्रिया कहां से? नाभि से। जो नेगेटिविटी होती है उसका निवारण करने का प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूं, और निवारण करने का प्रयोग वो भी उस प्रकृति के माध्यम से जैसे मैंने पहले बताया था। और इसका एक फल है जिसको चुंबकीय फल माना जाता है, शास्त्र में उसका चुंबकीय फूल भी नाम दिया है, वो फल है नींबू। नींबू को ले लेना है, सीधा सादा सरल। आप देखो, आपके सामने मैं बता रहा हूं, ये है नींबू, और इस नींबू में ये हरा कलर का होना चाहिए, ग्रीन कलर का, पीले कलर वाला नहीं, इसमें खटास ज्यादा होती है। और उसका जो मूल भाग है, जो अपने पैड के साथ जुड़ा हुआ है, वो नीचे का भाग है जहां से आप फल को तोड़ते हो, ये ऊपर का भाग है। ऊपर के भाग से उसका दो कटिंग करना है, अगर नाइफ है आपके पास तो उसका एक भाग ऐसे और दूसरा भाग ऐसा, बता देता हूं, एक भाग ऐसा और एक भाग ऐसा, मगर उसको एंड तक, अंत तक नहीं काटना है, उसको साथ में जोड़ा रहना चाहिए। उसको आप काटोगे तो फ्लावर जैसा चार भाग बन जाएगा। उसके अंदर भीमसेनी कपूर, जो मैंने पहले बताया, उसी भीमसेनी कपूर, उस कपूर को जैसे आप कर दोगे उसको, ऐसे चूरा हो जाएगा, इस तरह पाउडर बन जाता है, देखा ना, तो उसको आप इसके अंदर भर देना है। यहां की नींबू की शक्ति और उस भीमसेनी कपूर की शक्ति जैसे मिश्रित होगी तो एक अद्वितीय रस प्राप्त होगा। उसको फिर आपको नाभि के ऊपर लगा देना है, रख देना है, और दोनों हाथ इसके ऊपर रख देना है, ऐसे आपको रख करके महामृत्युंजय का जाप करना है। अभी देखो, महामृत्युंजय मंत्र अगर नहीं भी आता हो तो ओम ह्रोम जूम सहा, सीधा सादा सरल मंत्र है, ओम ह्रोम जूम सहा। और ये जो मंत्र है, ये मंत्र का कम से कम 45 मिनट्स से 60 मिनट ये ऐसे रखना है और फिर जाप करते रहना है। आप सो करके भी कर सकते हो, मगर इस 40-45 मिनट से 60 मिनट तक हो जाए। अब जैसे रखोगे
तो आपके शरीर के आसपास हलचल एक अलग बन जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ खींच रहा है, और जो भी नेगेटिविटी होगी वो नींबू खींच लेगा चुंबक की तरह। और ये जब आप पूरा इसके अंदर 60 मिनट का इस प्रयोग, 45 मिनट का ये प्रयोग खत्म हो जाए, फिर उसको आप रात को हो तो घर के बाहर रख देना है, फिर दूसरे दिन जल में या तो कोई बड़ा पेड़ है उसके पेड़ के पौधे के उसके रख देना है। ये जो प्रयोग मैंने बताया, ये रोग मुक्ति का, आसुर विद्या से दूर करने का, नेगेटिविटी से दूर रहने का ये अद्वितीय प्रयोग है। और ये प्रयोग मैंने कई लोगों को कहा है, कई लोगों को अपने आप में जीवन को परिवर्तित लाने के लिए मैंने कहा भी है और उन्होंने किया भी है और उसका फल भी मिला है। और ये सात्विक प्रयोग है, ये कोई मंत्र तंत्र जादू टोना टोकटा का प्रयोग नहीं है। आप देखोगे तो साउथ में जब भगवती की आराधना करते हैं, भगवती दुर्गा माँ को जब हार चढ़ाते हैं तो नींबू का हार चढ़ाया जाता है कि घर के सब कष्ट दूर हो जाए। ये नींबू चुंबकीय फल है, इसका कई प्रयोग है, मैं बताऊंगा जिस समय की अनुकूलता मिले तो मैं बताऊंगा, कई प्रयोग है। और ये नींबू आप देखो, कई बार इंडिया जाओगे घर घरों में मिर्ची और नींबू काट करके खट्टी और तीखी दोनों चीज जैसे धागे में डाल करके घर के बाहर लटकाया जाता है, आपने देखा होगा। और बड़े बड़े व्यापारी लोग इंडिया में, बड़े बड़े व्यापारी मुंबई दिल्ली बड़े बड़े व्यापारी लोग हर सैटरडे के दिन उसको चेंज करते हैं। क्यों? कि घर में अंदर आने से पहले कोई अगर ऐसी विद्या है तो घर में नहीं आएगी, घर में आने के बाद जो लक्ष्मी घर में है वो बाहर नहीं जाएगी। तो अद्वितीय प्रयोग है, इस अद्वितीय प्रयोग को पूर्ण रूप से करने का जो अपने आप में फल है, सात्विक शुद्ध और सरल प्रयोग है। इस प्रयोग को आप स्वयं देख लेना, मगर जो इसके अंदर कपूर जो डालते हैं हम, भीमसेनी कपूर होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं। केमिकल वाला कपूर आप अगर डालोगे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, ये महंगा आता है, मगर उसका जो परिणाम है, परिणाम शुद्ध और सात्विक मिलता है। मैं चाहता हूं कि नींबू का जो प्रयोग है, ये नींबू का प्रयोग आपके जीवन के अंदर परिवर्तित लाए, ये नींबू का प्रयोग आपके जीवन के अंदर सुख लाए, समृद्धि लाए, सौभाग्य लाए और हर बाधाओं से दूर मुक्त रहे, रोग से मुक्त हो। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको लेनी है तो आप हमारे सिद्धाश्रम भारत में भी है, हमारा सिद्धाश्रम इंग्लैंड में भी है, वहां संपर्क करके जितना ज्ञान है मेरे पास मैं देने की कोशिश करूंगा आपको। उस गुरु परंपरा के माध्यम से जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान को बांटूंगा तो ही वो बड़ा होगा, तो ही अपने आप में उसमें वृद्धि होगी। ज्ञान अगर कल ये शरीर शांत हो जाएगा तो ज्ञान उसमें ही चले जाएगा, तो इसीलिए उस ज्ञान को बांटने की जो परंपरा है हमारे ऋषि मुनियों की, उस परंपरा को मैं दोहरा रहा हूं। चुंबकीय फल एक नींबू जीवन में परिवर्तन ला सकता है। और ये जो साधना प्रयोग मैंने बताया उसमें बिल्कुल सात्विकता है, इसमें कोई आडंबर की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं उसमें श्रद्धा आपको नहीं भी है तो भी ये काम करेगा। आप मिर्ची पकड़ोगे, मिर्ची खाने की कोशिश करोगे और श्रद्धा से कहोगे कि मिर्ची कितनी मीठी है, मिर्ची कितनी मीठी है, मिर्ची कितनी मीठी है, तो क्या वो मिर्ची अपना जो स्वाद को जो तीखापन है वो छोड़ करके मीठापन हो जाएगा क्या? कई चीज ऐसी होती है श्रद्धा नहीं भी है तो भी वो काम करेगी। साधना शक्ति भक्ति और ये सब में
श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। मगर जो परमेश्वर के द्वारा दी गया प्राकृतिक फल में स्वयं श्रद्धा छिपी हुई है, स्वयं इसके अंदर शक्ति छिपी हुई है, स्वयं इसके अंदर वही जल देते थे नॉर्मल पानी, उससे खटासपन कहां से आता है? भगवान का दिया हुआ है फल, चुंबकीय फल, जीवन को ऐसा चुंबकीय बना देगा कि हर व्यक्ति आपको देखते रहेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन कहां से आ गया। आपके जीवन में इतनी गहराई से परिवर्तन आने की क्रिया क्या है? और इसीलिए ऋषि मुनियों ने समय बर्बाद नहीं किए हैं। ऋषि मुनियों ने बड़ी बड़ी जटा रख करके जंगलों में भटकते हुए जंगलों में बैठ करके सिर्फ ढोंग नहीं किया है। कई बार लोग कहेंगे कि भाई ये क्या साधु सन्यासी, ये भगवे कपड़े पहन करके, ये सफेद कपड़े पहन करके, बाल लंबी जटा रख करके सब ढोंग करते हैं। ढोंग नहीं है, ढोंग करने वाले ढोंग करते होंगे। मगर जिस ऋषि मुनियों ने अपना जीवन समाज को अर्पण कर दिया और इतना पवित्र शुद्ध सात्विक प्रयोग की परंपरा समाज को बता करके गए, आज ये मैं जो बता रहा हूं आपको, तो कोई जंगल में भटकना नहीं पड़ा, मुझे तो कोई जंगलों में इतना भटकना नहीं पड़ा। हाँ, मेरे गुरु के माध्यम से, गुरु के चरणों में बैठ करके एक विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन में बहुत कष्ट भी मिला और उसको मैंने प्राप्त किया, उसका अनुभव किया। मगर इस कष्ट के माध्यम से सुवर्ण सोना जो है सुनार के घर जाता है, और वो जाने के बाद उसको अग्नि में जब डाला जाता है तो सुना कहता है मुझे अग्नि में नहीं जाना है। वो जब तक अग्नि में नहीं जाएगा तब तक उसमें से एक सुवर्ण में से गहना कैसे बनेगा? और जो मैंने ये प्रयोग चुंबकीय फल का प्रयोग आपका जीवन को सुवर्ण बना दे, आपका जीवन सोने की तरह बन जाए, ऐसी प्रार्थना करता हुआ प्रभु से निवेदन करूंगा कि आपके जीवन में सुख शांति सौभाग्य प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव। ओम साधु।